वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथ के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो मिथ्स आर ट्रेडिशनल स्टोरीज दैट आर क्रिएटेड विद इन कल्चर्स इन ऑर्डर टू ऑफर एक्सप्लेनेशन फॉर फिनोमिना इट मीन्स दैट कि मिथ्स जो हैं वो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं जो कि रीजनली इनिशियली बिगान होती हैं रिलीजियस के साथ यानी कि आप मोस्टली देखेंगे कि मिथ्स जो हैं वो रिलीजन से रिगार्डिंग होती हैं और मोस्टली कौन से रिलीजन से रिगार्डिंग होती हैं ग्रीक मिथोलॉजी यानी कि ग्रीक्स के जो रिलेट होते हैं जैसे गॉड गौर्ड, गोडेसिस इन सारों के बारे में हमें मथ्स जो हैं वो मिलती हैं अब मिथ्स जो हैं वो बेसिकली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती हैं किसी पीपल को लोगों को या किसी कल्चर से रिगार्डिंग ताकि किसी इवेंट के बारे में एक्सप्लेन किया जाए या किसी नेचुरल एक्स जो है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया जा सके अब मिथ्स जो है इसका बेसिकली ओरिजिन ही ग्रीक मेथोलॉजी से हुआ है जिसकी वजह से इसका जो नाम है वो भी

वो बिलीव करती है कि ये ट्रू स्टोरी है या ट्रू लॉजिक्स पे बेस हैं या ट्रू किसी गोडा या गॉड्स के बारे में राइट नेक्स्ट है हमारे पास मिथ्स ऑफन इंक्लूड गॉड्स एंड और गोडाइस एंड डीज फिगर्स ऑफन हैव सुपर नेचुरल पावर्स यानी कि ऑब्वियसली जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि ग्रीक गॉड्स होते हैं जैसे गॉड ऑफ़ सन गॉड ऑफ मून तो उनसे रिगार्डिंग इस तरह से ये जैसे जियस हो गया ये सारे गॉड्स एंड को डेसेस्ट्रो हैं इनकी स्टोरीज बनी होती हैं और इनको हम बेसिकली मिथ्स कहते हैं और इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं ओबियसली जो सिंपल एक जो ह्यूमन बींग है उसके पास नहीं हो सकती हैं बिकॉज दे आर गॉड इसकी वजह से इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं मिथ्स इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ समथिंग केम टू बी इन द वर्ल्ड यानी कि ये इस तरह की एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बेसिकली एक चीज जो है वो रिजरेट कैसे हुई वो चीज वर्ल्ड में कैसे आई सच साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दैट वी डू डू टुडे फॉर सच वेदर यानी कि, कि ये चीज़ें जो हैं वो एंश एंड ओरिजन से भी करती हैं इनके पीछे कोई साइंटिफिकली लॉजिक्स नहीं होते साइंटिफिक रीजनिंग नहीं होती कि ये चीज़ें आई तो आई कैसे या फायदर पर इन सारी चीज़ों पे पर गॉड्स जो हैं ये साइंटिफिकली साइंस से बिल्कुल दूर एक्सप्लेनेशन है यानी कि आप जिस चे बिलीव करते हो कि ये ओरिजन्स होती हैं मिथ्स होती हैं जो कि मतलब लगती ट्रू हैं लेकिन होती नहीं है लेकिन उनका ये बिलीव होता है कि दीज आर द ट्रू ज असन टू बी लर्न इट मीन दैट की मिथ्स में आपको कहीं ना कहीं मोरल लेसन मिलता है और मोरल लेसन जो है उसे आप काफी चीजें जो है वो सीखते हैं सो दिस इज बेसिकली मिथ्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा लेकिन इससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपना और अपने प्यारों को बहुत ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में